हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमली 5mg टैबलेट के बारे में। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर दवाई होती है एम्लोडिपिन 5mg। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट है, यानी कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेकर आती है। उसके साथ साथ ये प्रिवेंट करती है एंजिना जैसी बीमारी, यानी कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन जो होता है ना, उसको भी प्रिवेंट करती है। और इस तरह ये हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स को होने से प्रिवेंट करती है। ये टैबलेट आपको डॉक्टर डेली लिख कर देगा, या तो आपको दिन में एक बार लिख के दे सकता है या दो बार लिख के दे सकता है। आपने करना क्या है, आपको जिस वक्त ये टैबलेट लिख कर दी गई है, आपने हर रोज़ उसी वक्त इस टैबलेट को खाना है। कोई टैबलेट अगर आपकी मिस हो जाती है, आप भूल जाते हो खाना आज, तो अगले दिन आपने दो गोली नहीं खानी है, एक ही खानी है। ये टैबलेट आप खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी, जैसा आपका डॉक्टर आपको लिख कर देगा। और एक ज़रूरी बात, ये टैबलेट जब तक आप ले रहे हैं, आपने कंटिन्यू लेते रहना है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपने टैबलेट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप टैबलेट छोड़ देते हो तो इमीडिएटली आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, मगर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि सिर दर्द होना, एडेमा यानी कि जिस्म के कुछ हिस्सों में पानी का रुक जाना, फटीग हो जाना, उल्टी आने के जैसा होना, पेट में दर्द होना, और बहुत ज़्यादा नींद आना या नींद आने के जैसा होना। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या आप प्रेग्नेंट हैं, या बच्चे को दूध पिलाती हैं छोटे बच्चे को, तो आपने पहले डॉक्टर को अपने बता देना है, उस हिसाब से डॉक्टर दवाई लिख कर देगा। इसके मार्केट में और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी एक ब्रीफ वीडियो एम्लोडिपिन 5mg के बारे में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।